गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद जो है पढ़ाई कर रहे थे। तो आज लोकेश सर की तबीयत सही नहीं है, तो केवल आज की क्लास मैं ले रहा हूँ। आगे से आपकी जो भी क्लासेस होंगी वो लोकेश सर ही लेंगे। तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा इन सभी टॉपिक्स को कि एक पद के गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ ए टर्म क्या होता है, संख्यात्मक गुणांक क्या होता है, न्यूमेरिकल कोफिशियंट क्या होता है। साथ में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि बीजीय व्यंजक का मान जो है कैसे ज्ञात करना होता है। तो इसी पे आधारित मैं एक प्रश्न आपको पहले समझाता हूँ, फिर आपको एक प्रश्न करने को दूंगा। ध्यान से देखिएगा, अगर प्रश्न कभी एग्जाम में ऐसे आ जाए, यानी अभी आपके सामने पूछा जाए कि कोई एक बीजीय व्यंजक है, देखिएगा बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है 4y² ठीक है, और आपको इसमें कहा जा रहा है कि 4y² का मान निकालना है। क्या निकालना है? मान निकालना है। अगर y का मान दिया रखा है 2, तो इस पे आपको y का मान 2 रखकर इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे ऐसे प्रश्न को, यानी बीजीय व्यंजक के 4y² इसका मान ज्ञात करना है। यदि हम y का मान 2 रख दे तो क्या मान होगा? तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यह है कि जहां पे y है ना वहां पे हम 2 कर देंगे। जैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 4 है तो 4 कर दिए, अब y का मान हम क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, क्योंकि y का मान कितना दे दिया गया? 2। तो y की जगह पे हम यहाँ पे 2 रख देंगे, इनके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? गुणा है। तो y का मान हमने रख दिया 2, और 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो 4 है तो 4 गुणा 2 का पावर 2 है, मतलब 2 को 2 बार गुणा करना है। किसी का भी पावर 2 होता है, इसका मतलब होता है कि उस संख्या को 2 बार गुणा करना है। ये क्या है? नीचे वाला 2 आधार है, और इसके ऊपर वाले को क्या कहते हैं? घात या फिर पावर, या इसी को कहते हैं अगर 2 है तो स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर है मतलब 2 को 2 बार गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे? 2 × 2 कर देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, 8 में 2 से गुणा करेंगे 16, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, तो उसी पे आधारित मैंने एक प्रश्न आपको कराया। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार आप लोग वाई टाइप कर दीजिए अगर क्लियर है तो। कहीं पे डाउट होगा तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। केवल आज की क्लास मैं ले रहा हूं, लोकेश सर की तबीयत सही नहीं है, अगली क्लास लोकेश सर ही लेंगे, ठीक है? सर, ये जो दूसरी लाइन है ये दोबारा समझाना। ठीक है, मैं दोबारा से पूरा प्रश्न ही समझा देता हूँ। दोबारा से देखिए, दोबारा से मैं इस प्रश्न को समझाता हूँ। ध्यान से देखिए, आपके सामने एक प्रश्न है कि एक बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक कौन सा है? 4y², इसमें आपको दे रखा है कि y का मान यदि 2 है, यानी y का जो वैल्यू है अगर वो 2 है, तो अगर हम 4y² में y का मान 2 रख दें तो इसका मान क्या होगा? तो कुछ नहीं, इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 के जगह पे तो 4 ही रहेगा, गुणा, क्योंकि इनके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? गुणा का साइन है, तो हमने गुणा लगा दिया। अब y का मान कितना कह रहा है? 2 कह रहा है, तो y की जगह पे अब हम 2 रख देंगे, और 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि y का पावर 2 है, और y का मान 2 है मतलब 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2। अब आगे नेक्स्ट देखिए, तो 4 के जगह पे 4 रखेंगे गुणा, और 2 का पावर 2 है मतलब कि 2 को 2 बार गुणा करना है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 3 का पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 को 3 बार गुणा करना है, 3 × 3 × 3। अगर मैं 4 का पावर 2 लिख दूं, इसका मतलब क्या है कि 4 को 2 बार गुणा करना है। इसी प्रकार यहाँ पे 2 का पावर 2 है मतलब 2 को 2 बार गुणा करना है, तो 2 × 2 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 16, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है अभी सभी बच्चों को? बताइएगा सभी बच्चों को क्लियर है? डाउट होगा तो माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल है, क्लियर है ना? डाउट होगा तो बस डायरेक्टली माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। वेरी गुड, चलिए तो एक प्रश्न देता हूं, पोल सेक्शन में आप लोगों को आंसर करना रहेगा। चलिए सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कोशिश कीजिए पहले कॉपी पे सॉल्व करें फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जैसे मैंने सिखाया था वैसे ही करना है। क्या कह रहा है? एक बीजीय व्यंजक है 3m², उसमें m का मान दे रखा है 2, तो इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका मान कितना आएगा। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना, एकदम आराम से कोशिश कीजिए।
कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, एकदम आसान सवाल है। 3m² का आपको मान निकालना है यदि m बराबर 2 दे रखा है, यानी जहां पे m है वहां पे 2 रख देंगे, बाकी चीजों को सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अभी तक 6 बच्चों ने आंसर किया है और 6 बच्चों का आंसर एकदम सही है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, बहुत आसान सवाल है, आप कोशिश कीजिए, कर सकते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। अच्छा, पोल सेक्शन कैसे आता है वो भी मैं बता देता हूं। देखिए, आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होता है, उसी पेज में आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है, एक्टिविटीज का। जैसे ही आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पोल्स एक्टिव का एक ऑप्शन दिखेगा, पोल्स एक्टिव का। इस पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। चलिए सभी बच्चे आंसर कीजिए, और 10 सेकेंड का समय इस प्रश्न के लिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही है, लेकिन 2 बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए समझते हैं कैसे करेंगे इस प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारे सामने जो बीजीय व्यंजक है वो कितना है, 3m का पावर कितना है, 2 है। यहां पे हमें कह रहा है कि m का मान अगर 2 हो जाए, यानी m के जगह पे हम 2 रख दें, तो इस बीजीय व्यंजक का मान कितना आएगा। तो चलिए चेक करते हैं, 3 के जगह पे 3 मल्टीप्लाई m का पावर 2 है, यानी अब 2 का पावर 2 हो जाएगा, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए चेक करते हैं, तो 3 गुणे 2 के पावर 2 है, मतलब 2 को 2 बार गुणा करना है, तो 2 को 2 बार गुणा कर दिए। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, और 6 में 2 से गुणा करेंगे 12, तो आंसर कितना हो गया, 12, 12। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। जिन बच्चों ने आंसर किया था सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही था। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है ना, एकदम आसान था। चलिए तो आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। तो ये आपने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसी पे आधारित प्रश्न था। आज का आपका जो नया टॉपिक है वह है बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना, यानी आपको अगर 2 बीजीय व्यंजक दे दिया जाए तो उसे कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं, यही आपका आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि 2 बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। तो इस चीज को सीखने से पहले आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, वो चीज क्या है कि बीजीय व्यंजकों में जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया हमेशा समान पदों में ही होती है। समान पदों का मतलब 5x और मैं कहूं इसमें जोड़ना है 5y, तो क्या ये जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां पे x है और यहां पे y है, तो ये दोनों अलग अलग पद है, दोनों अलग अलग क्या है, पद है, तो ये नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं 5x प्लस 5x तो अब ये जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, बात समझ में आया। जैसे ये हो गया आपको 10x, अब इसी तरीके से प्रश्न अगर मैं दे दूं 5y प्लस 2y तो आप इसे भी जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 और y है तो y, तो 7y हो गया। लेकिन क्या आप ऐसे जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि बीजीय व्यंजकों में जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया हमेशा समान पदों में होती है, यानी जो ये x y वाला पद जो होता है, जो चर होता है, वो हमेशा समान रहना चाहिए, तभी आप उसे जोड़ सकते हैं। अगर अलग अलग होगा तो हम उसे नहीं जोड़ेंगे, जैसे ये लिखा गया है ऐसे ही लिख देंगे।
यानी 5x प्लस 5y को कोई कहे कि जोड़ के उत्तर बताइए क्या आएगा, तो आप कहेंगे 5x प्लस 5y ही होगा और कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 है, 7x और 2x को आपको जोड़ना है, तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं 7x प्लस 2x। अब बताइए 7x में 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप सभी बच्चों को पता है 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 और x दोनों में है तो x, तो आंसर हो गया 9x। बताइए किसी बच्चे को डाउट है? एकदम आसान है, 7x में 2x जोड़ेंगे तो 9x हो जाएगा। अब मैं एक प्रश्न दे दूं, आप लोग करेंगे? जोड़ना तो मैंने आपको सिखा दिया, जैसे जोड़ते हैं वैसे ही घटाते हैं। यानी मैं अगर आपको प्रश्न दे दूं कि 8x में से, 8x में से आपको 6x को घटाना है, चलिए इसे आप लोग कीजिए, तो इसे आप लोग कीजिए, 8x में से आपको 6x को घटाना है, जैसे आपने जोड़ा था वैसे ही घटाएंगे। वेरी गुड, तीन बच्चों का आंसर आया, एकदम सही है, वेरी गुड। तो क्या करेंगे, 8x लिख देंगे, इसमें से घटाना कितना है 6x को, तो 6x को घटा देंगे। अब 8 में से 6 गया कितना आएगा 2, और x है तो x, तो ये 2x क्या हो गया, 2x जो है हमारा उत्तर हो गया। किसी भी बच्चे को डाउट होगा माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, कोई डाउट है किसी बच्चे को? एकदम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक प्रश्न आ गया, सभी बच्चे बताइए, तो 7n में से 3n को घटाना है, उत्तर बताइए सभी बच्चे चैट सेक्शन में क्या होगा। 7n में से आपको 3n को घटाना है, 7n में से आपको 3n को घटाना है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, सभी बच्चों का एकदम सही जवाब है। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो 7n है तो 7n, कितना घटाना है 3n को, तो माइनस 3n। अब आप देखिए 7n में से 3n जाएगा तो कितना बचेगा 4n, एकदम आसान सवाल है। आइए किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा, एकदम आसान है, डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं 10 सेकंड का इंतजार करता हूं। अब थोड़ा सा इन्हीं सवालों को मुश्किल करते हैं, देखिए ये तो आपने कर लिया, इसी सवाल को थोड़ा सा मुश्किल करते हैं, जैसे इसका आ गया आंसर 4n। अब मुश्किल कैसे होता है सवाल को, अब मैं आपको दिखाता हूं। जैसे देखिए प्रश्न अगर कुछ इस प्रकार से आ जाए, देखिएगा समझिएगा आराम से, जैसे 7x आ जाए आप प्लस 1 हो जाए, और आपको कहा जाए कि 7x प्लस 1 में आपको जोड़ना है 8x प्लस a को, क्या करना है योग करें, यानी कि जोड़े, ये आपके सामने अगर प्रश्न आ जाए तो कैसे करेंगे? तो जो नियम आपने सीखा था कि सेम पदों को, यानी एक समान पदों को जोड़ देते हैं, बाकी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं 7x प्लस 1, ठीक है, इसमें ऐड करना है कितने को, 8x प्लस a को, यही है ना, चलिए जोड़ते हैं। तो 7x को 7x लिखेंगे, प्लस 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस 8x को 8x लिखेंगे, प्लस a। अब देखिए कौन कौन सा सेम पद है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 7x है और ये 8x है, तो ये दोनों तो जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना, 7x और 8x तो जुड़ जाएगा, तो इसको हम जोड़ देते हैं, 7x और 8x कितना हो जाएगा 15x, तो यहाँ पे हो गया 15x। क्या 1 के साथ कोई और जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, तो इसको प्लस 1 ही रखेंगे, और a के साथ कोई जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, तो इसको भी प्लस a कर देंगे, ये आपका उत्तर हो गया। यानी जो सेम पद है हम उसको आपस में जोड़ देते हैं, और जो अलग रहता है उसको अलग ही रहने देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बताइए इस प्रश्न में समझने में किसी बच्चे को कोई डाउट है? एकदम आसान है, बताइए इस प्रश्न को समझने में किसी बच्चे को डाउट है कहीं? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी बच्चे को डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अब एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, आप लोगों को उसे सॉल्व करना है, ठीक है, एक प्रश्न दे रहा हूं आप लोगों को उसे सॉल्व करना है। 6y प्लस 2 और
3y प्लस बी का योग करें और आंसर बताइए तो क्या आएगा। सभी बच्चे आंसर बताइए चैट से, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, 6y प्लस 2 और 3y प्लस बी का योग करना है और आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही जवाब आ रहा है सभी बच्चों का। नीला नाम से जो बच्चे हैं आपका गलत है, थोड़ा ध्यान से देखिए एक बार और चेक कीजिए। नीला नाम से जो बच्चे हैं एक बार अपने आंसर को दोबारा चेक कीजिए। वेरी गुड, बाकी सभी बच्चों का उत्तर जो आया है एकदम सही है। नीला आप एक बार अपना आंसर दोबारा चेक कीजिए। पूजा नाम से जो बच्चा है एकदम सही है, ठीक है वेरी गुड। चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए, आपको 6y प्लस 2 को क्या करना है, ऐड करना है किसके साथ, 3y प्लस बी के साथ। चलिए तो अब हम इसे जोड़ना शुरू करते हैं, तो 6y को 6y लिखेंगे, प्लस 2 है तो प्लस 2, प्लस है तो प्लस, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस 3y और प्लस बी। अब इसमें आपस में कौन कौन जुड़ेगा, देखिए ये 6y है और ये 3y है, तो ये तो जुड़ जाएगा। चलिए इसको जोड़ देते हैं, 6y में 3y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9y प्लस 2 किसी के साथ जुड़ेगा नहीं तो 2 को 2 रहने देंगे, प्लस बी किसी के साथ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा तो बी को बी रहने देंगे। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 9y प्लस 2 प्लस बी। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान है। अब मैं एक प्रश्न दूं, आप लोग करेंगे, एक प्रश्न देता हूं सभी बच्चे उसे करेंगे। चलिए आपके सामने एक प्रश्न है, उदाहरण संख्या 3, 7m प्लस 1 और 5m प्लस a का आपको योग करना है, यानी जोड़ के बताना है कि क्या आएगा। सभी बच्चे कीजिए तो क्या आता है इसका आंसर, कोशिश कीजिए एक बार, फिर मैं आपको बताता हूं, एक बार कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, चलिए देखिए अब हमें 7m प्लस 1 को ऐड करना है 5m प्लस 3 के साथ, तो 7m प्लस 1, ठीक एक सेकेंड, 7m प्लस 1 इसको ऐड करना है आपको 5m प्लस 3 के साथ, ठीक है सॉल्व करते हैं। तो 7m प्लस 1 तो ऐसे लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, प्लस में प्लस से गुणा होगा तो प्लस 5m होगा, ठीक है, अब प्लस में प्लस से गुणा होगा तो प्लस ही होगा और a है तो a होगा। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। अब देखिए कौन कौन आपस में जुड़ेगा, यहाँ पे 7m है और यहाँ पे 5m है, तो 7m और 5m सेम पद है तो इनको आपस में जोड़ देंगे, तो 7m और 5m कितना हो जाएगा, 12m, कितना हो जाएगा 12m, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 12m प्लस 1 अकेले है तो 1 प्लस a अकेले है तो a, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12m प्लस 1 प्लस a, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है अगर नहीं समझ में आया तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, चैट सेक्शन में n लिख दीजिए, आप क्लियर है तो y टाइप कीजिए, जल्दी से सभी बच्चे करेंगे। क्लियर है ना, डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा, कहीं पे ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है। अब चलिए जैसे आप लोग जोड़ रहे थे ना ठीक वैसे ही घटाते हैं, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को जो है दिमाग का यूज करना पड़ेगा, कैसे तो समझिए मैं आपको सिखाता हूं। जैसे अगर प्रश्न आ जाए आपके सामने कुछ इस प्रकार से, ठीक है 5a ठीक है माइनस बी है और सॉरी और जोड़ना नहीं है घटाना है, 5a माइनस बी में से आपको घटाना है
ए माइनस बी को, ठीक है, को घटाएं। अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो कैसे करेंगे, जैसे जोड़ रहे थे वैसे ही घटाएंगे, थोड़ा सा कुछ छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना रहता है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो 5a है माइनस बी है, लिख दिए, इसमें से घटाना कितने को है, ए माइनस बी को, हमने इसको ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखिए घटाने के समय दो चीजों को ध्यान रखना होता है, आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, दो बातें, दोनों बात को मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं कि जब भी माइनस में गुणा होता है माइनस से तो क्या बनता है, प्लस बनता है। अब प्लस में गुणा होगा माइनस से या माइनस में गुणा होगा प्लस से तो ये क्या बनता है, हमेशा माइनस बनता है। क्या ये आप लोगों ने पढ़ा रखा है, पहले से पढ़ रखे होंगे आप लोग कि माइनस में गुणा होगा माइनस से तो प्लस होता है, अब प्लस में गुणा होता है माइनस से या माइनस में गुणा होता है प्लस से तो माइनस होता है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, पहले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ा दिया गया होगा, वेरी गुड, तो आप लोगों ने इसे पढ़ रखा है। तो अब इसी सवाल को हल करना आसान हो जाएगा। देखिए किसी के पहले कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो क्या है, प्लस है, और इसके बीच में कोई चीज नहीं है तो क्या, यहाँ पे गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। आप ध्यान से देखिए 5a को 5a लिखेंगे, माइनस बी है तो बी लिखेंगे, सॉरी अब साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि अब सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस में गुणा होगा प्लस से, माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस ए। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस में माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी। क्यों, क्योंकि इस माइनस के साथ इस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस बी आएगा। बात समझ में आया। अब आप ध्यान से देखिए ये है 5a और ये है माइनस ए, तो 5a में से अगर a जाएगा यानी 5a है और उसमें से एक a निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 4a, क्योंकि 5a में से अगर a आएगा, जैसे मैं आपको एक छोटा सा समझाता हूँ कि इसके पास 5 एपल है और किसी के पास सिर्फ एक एपल है, a मतलब एक एपल है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो किसी के पास 5 एपल है और किसी के पास एक एपल है, पूछा जाए कि इन दोनों में से कितने का अंतर है तो आप निकाल देंगे, 5a में से एक a घटा देंगे तो 4a हो जाएगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पर भी यही काम करना है, ये 5a है, इसमें से घटाना है a को, तो 5a में से a जाएगा तो क्या बचेगा, 4a बचेगा। और आपने पढ़ा होगा कि कोई चीज माइनस में है और एक प्लस में है तो वो कट जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे देखिए ये माइनस बी है तो कट जाएगा प्लस बी से, यानी माइनस बी से कट जाएगा प्लस बी। अब जैसे मैं आपसे बोलू इसको और एक अलग तरीका से समझिएगा, जैसे माइनस दो है इसको आपको ऐड करना है प्लस दो से, तो भाई माइनस दो और प्लस दो तो कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या, शून्य, बचेगा क्या, शून्य, यानी कट गया। तो इसी प्रकार यहाँ माइनस बी से प्लस बी जो है कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, केवल 4a। ये कितने बच्चों को समझ में आया, देखिए अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप एन टाइप करो, मैं दोबारा से बताऊंगा, इसमें परेशान नहीं होना है कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम कोई भी चीज थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, ठीक है। सभी को समझ में आया, कोई बात नहीं, एक प्रश्न और कराता हूं, एक एग्जांपल और कराता हूं, आपको और क्लियरिटी हो जाएगा, एक एग्जांपल और करते हैं, देखिए फिर आपसे करवाऊंगा, पहले एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए अगर प्रश्न आ जाए 8m, ठीक है, 8m माइनस बी, 8m माइनस बी में से आपको घटाना है 5m माइनस बी को, देखिए सेम टू सेम जैसे पिछला क्वेश्चन आपने किया था ना वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, सॉल्व करते हैं, इसके बाद आप लोगों को एक करने का दूंगा। तो क्या करेंगे, 8m है तो 8m लिखेंगे, माइनस बी है तो माइनस बी, माइनस 5m माइनस बी, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के मध्य में कोई भी साइन नहीं होता, यानी जब कभी ऐसा कुछ आ जाए ना ऐसा, तो इनके बीच में कुछ नहीं है, साइन तो क्या है, गुणा का साइन छिपा हुआ है, जैसे ऐसे आ जाए, ठीक है, इनके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का साइन है। तो यहाँ पे कुछ का साइन नहीं दिख रहा है तो गुणा का साइन है, इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा, नहीं तो गलतियां यहीं पे होती है, छोटी सी चीज है। तो यहाँ पे कुछ नहीं छिपा है तो क्या छिपा है, गुणा का साइन छिपा हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब आप लोग को समझ में आएगा। तो 8m को तो 8m लिख देंगे, माइनस बी को बी लिख देंगे, अब देखिए माइनस है तो माइनस लिख देंगे।
अब यहां पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब माइनस में गुना होगा प्लस से, माइनस में गुना होगा प्लस से तो क्या आता है, हमेशा माइनस आता है। इस चीज को आप लोग पढ़े होंगे कि माइनस में गुना होगा प्लस से तो माइनस आता है। तो यहाँ पे माइनस था, अब बीच में कुछ नहीं था तो क्या था, गुना था। मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को दिखाई दे, कुछ नहीं था तो क्या था, गुना था। तो माइनस में गुना किए प्लस से तो माइनस हो गया, कितना आएगा 5 है, तो यहाँ पे आ गया 5 है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, अब इस माइनस से इस माइनस में गुना होगा, तो माइनस में गुना होता है माइनस से तो क्या आता है, प्लस आता है। तो माइनस में गुना होगा माइनस से तो अब क्या बन जाएगा, प्लस। माइनस में इस माइनस से गुना हुआ इस माइनस से तो क्या हो गया, प्लस। आ कितना आएगा, ये हो गया प्लस बी। अब आगे देखिए आप सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे 8m है और यहाँ पे माइनस 5m है, यानी ये प्लस 8m है और ये माइनस 5m है। जिसके आगे कुछ नहीं आता उसके आगे क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस 8m में से माइनस 5m जाएगा तो बचेगा कितना, 3m। बड़ा कौन सा है, प्लस वाला, तो यहाँ पे 3m हो गया। ये माइनस भी है और ये प्लस भी है, तो जब भी कभी भी एक माइनस में हो एक प्लस में हो तो कट जाता है, अगर वो बराबर है तो माइनस भी प्लस भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये कट गया दोनों, तो बचेगा क्या, सिर्फ 3 है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अभी क्लियर है सभी बच्चों को, मैंने दो प्रश्न सेम टू सेम टाइप का आपको कराया। अभी क्लियर है सभी बच्चों को, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है ना, आसान सवाल था। चलिए एक प्रश्न और कीजिए, अब आप लोग कीजिएगा उस प्रश्न को, अब आप लोग कीजिएगा ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए। 3a में से 3a माइनस बी में से a माइनस बी को घटाना है, आप लोग इसको कोशिश कीजिए और आंसर बताइए क्या होगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड, दो बच्चों का उत्तर आया है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, उत्तर अभी चेक करेंगे सही है कि गलत है। सभी बच्चे एक बार कोशिश कीजिए, वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर आ रहा है, वेरी गुड, और सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आ रहा है, बहुत अच्छा। तो क्या करेंगे, 3a माइनस बी है तो यहाँ पे लिख देंगे 3a माइनस बी, ठीक है। अब माइनस घटाना है तो घटा दिए a माइनस बी को। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो 3a को 3a लिखेंगे, माइनस बी है तो बी लिखेंगे। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। अब प्लस में गुना होगा माइनस से तो माइनस ए, अब माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस बी। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो माइनस बी से प्लस बी तो कट जाएगा, माइनस बी से तो प्लस बी तो कट गया, तो बचेगा क्या, बचेगा 3a माइनस ए, और 3a में से ए घटेगा तो क्या बचेगा, 2a। ये आपका उत्तर हो गया। बताइए कहीं पे किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को, एकदम आसान सवाल है, क्लियर है ना। कहीं पे डाउट होगा माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल देता हूं आपको, कोशिश करना है, मुश्किल नहीं है, इसका आंसर हो गया 2 है, मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों को कोशिश करना है, कोशिश करेंगे तो आंसर आएगा। देखिए एग्जाम्पल संख्या 5, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 3xy माइनस जेड एक्स में से आपको 2xy माइनस xy जेड को जो है घटाना है। आप कोशिश कीजिए, सेम टू सेम प्रश्न है, आंसर जरूर आएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एक बार कोशिश कीजिए सभी बच्चे, देखिए गलत होगा कोई बात नहीं, आप एक बार प्रयास कीजिए फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए एक हिंट दे देता हूं मैं आप लोगों को, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं एक्स जेड या फिर मैं लिखता हूं जेड एक्स, इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों ही बराबर है, एक्स जेड या जेड एक्स बात बराबर है, क्योंकि एक्स में गुणा कीजिए जेड से या जेड में गुणा कीजिए एक्स से, बात बराबर होता है, कोई अंतर नहीं है, बात समझ में आया। तो ये दोनों बराबर है,
यानी अगर मैं लिख दूं एक्स जेड और यहाँ पे प्लस लिख दूं जेड एक्स, तो ये कुछ बच्चे अलग अलग समझेंगे, अलग अलग नहीं है, ये कट जाएगा, आपस में कट जाएगा, ठीक है। माइनस एक्स जेड और प्लस जेड एक्स दोनों एक ही चीज है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। इतना मैंने आप लोगों को हेल्प कर दिया, अब एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे, कोशिश कीजिए, इसी चीज के वजह से आप लोग से नहीं हो रहा होगा, अब आप लोग कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, जितने बच्चों का आंसर आया, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है, वेरी गुड। चलिए अब मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, थ्री एक सेकेंड, थ्री एक्स वाई माइनस जेड एक्स, ठीक है, में से घटाना कितना है, टू एक्स वाई माइनस एक्स जेड को घटाना है। चलिए सॉल्व करते हैं, तो इसे तो हम ऐसे ही लिख देंगे, थ्री एक्स वाई माइनस जेड एक्स को जेड एक्स लिख देंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, अब माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस, तो टू एक्स वाई, अब यहां से देखिए माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, प्लस, यहां पे एक्स जेड है तो एक्स जेड। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो ये जेड एक्स लिखा गया है माइनस में और ये प्लस में एक्स जेड है, दोनों ही क्या है, बराबर है, मैंने अभी बताया था जेड एक्स लिखिए या एक्स जेड लिखिए, बात एक ही है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, तो ये कट गया, इससे कट गया, अब बचा क्या, यहाँ पे बचा थ्री एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई। अब बताइएगा थ्री एक्स वाई में से टू एक्स वाई जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स वाई बचेगा, इसके पहले वन लगाना जरूरी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वाई, आप वन लगा दिए हैं कोई बात नहीं, एग्जाम में वन लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा एक्स वाई, क्लियर है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं x, तो x के आगे वन लिखने की आवश्यकता थोड़े, ये पहले से पता है कि यहाँ पे वन है, जैसे मैं यहाँ लिख दूं एक्स वाई, तो पहले से पता है कि यहाँ पे वन है, तो वन लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ एक्स वाई लिखेंगे। किसी बच्चे को डाउट है तो n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को। अब एक सबसे मुश्किल सवाल आप लोगों को देता हूं, चलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वाई। अब इस प्रश्न को कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा, देखिए इतना बड़ा डिजिट है, इतना बड़ा डिजिट में से आपको इतना बड़ा को घटाना है, कुछ नहीं करना, सेम टू सेम वही नियम है कि जो सेम पद होता है उसको घटा देते हैं, जो सेम पद नहीं होता है उसको उसे ही लिख देते हैं। कोशिश कीजिए एक बार, फिर मैं आपको बताता हूं, कोशिश कीजिए सभी बच्चे एक बार घटा के आंसर लाने का, फिर मैं आपको बताता हूं, एक बार कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, अच्छा ये तो स्क्वायर वाला है, आप लोग लिख नहीं सकते हैं तो टाइप नहीं कर पाएंगे, तो चलिए इसे मैं ही समझाता हूं, क्योंकि स्क्वायर में है तो आप लोग कैसे टाइप करेंगे, टाइप नहीं कर पाएंगे आप लोग, तो मैं समझाता हूं। देखिए आपको इस बड़े वाले में से द्वितीय व्यंजक में से इसको घटाना है, चलिए सेम टू सेम लिखते हैं, एक्स वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई माइनस सेवन एक्स स्क्वायर वाई माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री, इसमें से कितने को घटाना है, माइनस करना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट में बंद रहेगा क्योंकि ये घटाना है, ठीक है, इसको घटाना है। चलिए इसको देखते हैं घटाने के बाद क्या आता है, सॉल्व करते हैं, तो ये तो सेम टू सेम यहां तक का उतार देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री, यहां तक तो मैंने सेम टू सेम लिख दिया। अब इसके आगे अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां पे देखिए यहां पे प्लस है यहां पे माइनस है तो गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस वाई आएगा, क्या आएगा, माइनस वाई आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, एक सेकेंड ये गलत लिखा गया है, एक सेकंड, एक्स स्क्वायर क्या है, वाई है,
ठीक है, अब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, इसके आगे में कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो प्लस में गुना होगा माइनस है तो क्या आएगा, माइनस, तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया। अब देखिए माइनस में गुना होगा प्लस है तो क्या आएगा, माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए जो सेम टू सेम पद का है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें तो कौन कौन सेम पद का है, देखिए एक्स वाई स्क्वायर वाला कौन सा है, एक्स स्क्वायर वाई वाला कौन कौन सा है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई वाला एक है, ठीक है, और एक यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई वाला है, ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे तो ये इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर है और ये माइनस कहाँ गया, ये सॉरी ये वाई स्क्वायर है ना, एक सेकंड, ठीक है, आपको एक्स स्क्वायर वाला ढूंढना है ना, एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है, फिर से वाई स्क्वायर कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए एक्स वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्लस जो है एक्स वाई स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक्स वाई स्क्वायर है और ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसको इससे काट देंगे, काट दिए। अब देखिए फोर एक्स स्क्वायर वाई है और ये माइनस सेवन एक्स स्क्वायर वाई है, तो अब बताइएगा जो बड़ा रहता है उसी का साइन लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, फोर एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे माइनस सेवन एक्स स्क्वायर है, तो बड़ा कौन सा है, माइनस सेवन वाला, क्योंकि ये फोर है और ये सेवन है, तो बड़ा कौन सा हो गया, सेवन वाला, साइन किसका लगेगा, बड़े का, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सेवन में से फोर जाएगा तो थ्री, तो कितना आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, यानी इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया हमारा, थ्री एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि ये प्लस फोर था और ये माइनस सेवन था, तो जो बड़ा रहता है तो सेवन वाला बड़ा है, तो सेवन में से फोर जाएगा तो थ्री, साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन, सात में से चार गया तो तीन एक्स स्क्वायर वाई, तो इतने को सॉल्व कर दिए तो आ गया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, अब माइनस बाकी को ऐसे ही लिख दीजिए, थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे देखिए माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई है, तो अभी ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जाके आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, बात समझ में आया, क्योंकि अब ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये आपका जो है बच गया जो उत्तर हो जाएगा, समझ में आया, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्लियर है, किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, मैं दोबारा से बता सकता हूं अगर कहीं पे डाउट है तो, किसी बच्चे को डाउट होगा तो बताइएगा, क्लियर है ना सभी बच्चों को, क्लियर है ना, एकदम आसान सवाल है, जो बच गया जो बच गया, ठीक है, अब बाकी तो इसको हमने पहले ही कटा दिया था, चलिए तो अब हम लोग पोल सेक्शन में क्वेश्चन करें, पोल सेक्शन में प्रश्न करें, चल तो एक पोल सेक्शन में प्रश्न है, पहला आपको 3y प्लस 7 को ऐड करना है a प्लस y से, जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा, पोल सेक्शन में कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए पहले कॉपी पे फिर आंसर कीजिएगा, सॉल्व कीजिए पहले कॉपी पे फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, पहले सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, फिर मैं पोल दूंगा तो आंसर कीजिएगा, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए, चार बच्चों ने आंसर किया, चारों बच्चों का उत्तर एकदम सही है, वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही आ रहे हैं, कोशिश कीजिए,
सभी बच्चे आंसर करेंगे, और दो बच्चे जो हैं आंसर नहीं किए हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड का समय है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। चलिए, दो बच्चों का गलत हुआ है, बाकी बच्चों का सही है। देखिए 7y+7 में ऐड करना है a प्लस वाई को, तो इसको खोलते हैं ब्रैकेट को, तो यहाँ पे 3y आएगा, प्लस 7 है तो 7 आएगा, प्लस इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस में गुना होगा प्लस से तो क्या आएगा, a आएगा, और फिर प्लस में गुना होगा प्लस से तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा, तो वाई हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, जो सेम जाति का है उसको जोड़ देंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 3y है और ये y है, तो 3y में y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4y, 3y में y जोड़ेंगे तो 4y। अब क्या 7 किसी के साथ जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, तो इसको प्लस कर देंगे 7। अब प्लस a किसी के साथ जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, तो a को a कर देंगे, तो 7y प्लस, ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। a को बाद में ऐड कीजिए या पहले ऐड कीजिए, बात एक ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि हम इसको 4y प्लस 7 प्लस ए भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो दोनों एक ही चीज है। क्लियर है सभी बच्चों को, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए, डाउट होगा किसी बच्चे को तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, 5 सेकंड वेट कर रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए, कभी कभी प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल करने के लिए ऐसे पूछ लिया जाता है, देखिए कैसे, नहीं प्रश्न आपको दे देगा 5y-b, ठीक है, 5y-b प्लस 3, इसमें आपको कहेगा माइनस करने के लिए y-b। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर इस टाइप के प्रश्न आ जाए तो कुछ नहीं, वही नियम रहेगा, बस यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान रहेगा। जैसे अभी इसको लिखेंगे 5y को 5y, माइनस को माइनस बी, प्लस को प्लस, 3 को 3। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, अब माइनस में गुना होगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस वाई, अब फिर माइनस में गुना होगा माइनस से तो अब क्या हो जाएगा, प्लस बी, अब क्या हो जाएगा, प्लस बी, क्योंकि ये वाला माइनस से अगर ये वाला माइनस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बी, ठीक है, तो प्लस बी हो गया। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये रहा माइनस बी और ये रहा प्लस बी, तो प्लस बी और माइनस बी तो कट जाएगा ना, माइनस बी और प्लस बी तो कट गया, तो बचेगा क्या यहाँ पे, 5y+3-y बचेगा। अब 5y में से माइनस वाई चला जाएगा, यानी कि 5y में से एक वाई चला जाएगा तो क्या बचेगा, 4y और प्लस में 3, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि चिन्ह का कितना वैल्यू होता है, यानी चिन्ह को ध्यान से करना है, क्लियर है सभी बच्चों को, कि चिन्ह जो होता है यहाँ पे जो मल्टीप्लाई वाला होता है उसको ध्यान से करना होता है, नहीं तो वहीं पे सबसे ज्यादा गलती होती है। प्रश्न देता हूं, आप लोग कोशिश कीजिए एक बार, चलिए इस प्रश्न को कीजिए, उसी टाइप का ये प्रश्न है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करने का। चलिए अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, 10 सेकंड के बाद पोल दूंगा, सभी बच्चे पहले कोशिश कीजिए सॉल्व करने का, फिर मैं पोल दूंगा, उसमें आंसर कीजिएगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने का। एकदम आराम से जैसे सिखाया हूं वैसे ही करना है। देखिए जल्दी जल्दी में गलत हो गया एक बच्चे का, आराम से कीजिए बाबू, एकदम आराम से आएगा आंसर, आराम से कीजिए। वेरी गुड, चार बच्चों का उत्तर आ गया, एकदम सही है, एक बच्चे ने गलत किया है, वेरी गुड।
सभी बच्चे कीजिए, आप लोग कर सकते हैं, बस आराम से कॉपी पेन पे पहले कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, वेरी गुड। चलिए लास्ट का 10 सेकेंड, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, यहां पे देखिए, इसको पहले ब्रैकेट खोलते हैं, तो यहां पे क्या आएगा, 3a-b+4। अब देखिए इसके a के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब माइनस में प्लस से गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस ए। अब फिर माइनस में माइनस से गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस और b हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को मैंने बताया था कि ये माइनस b है और ये प्लस बी है, तो माइनस बी प्लस बी से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। तो माइनस बी को प्लस बी से कटा दिए, अब बचेगा क्या, यहाँ पे नीचे देखिए 3a+4 और माइनस ए। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो 3a में से a जाएगा तो क्या बचेगा, 2a, अब प्लस में क्या बचेगा, 4। तो आंसर क्या हो गया, 2a+4, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो n टाइप कीजिए, क्लियर है तो y टाइप कीजिए, क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब जो अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से करेंगे, थोड़ा सा समय लेके, चलिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे ही करेंगे। देखिए पहले हम इनको सेम टू सेम उतार लेंगे, फिर इसके यहाँ पे देखेंगे, इससे पहले गुणा करेंगे फिर इसमें गुणा करेंगे, इसी प्रकार यहाँ पे इसको देखेंगे फिर यहाँ पे देखेंगे कि क्या आएगा, फिर ब्रैकेट खोल देंगे तो सॉल्व करने तो आपको आता है। तो कोशिश कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करना है, कॉपी पे लिख के कोशिश करेंगे तो आंसर आएगा। ठीक है, तो प्रयास क्या करना है, कॉपी पे लिखना है तब जाके आंसर करेंगे तो आंसर आएगा, कोशिश कीजिए कॉपी पे लिख के सॉल्व करने का। चलिए 20 सेकंड के बाद इसका पोल दूंगा, आप लोग पहले सॉल्व कीजिए। आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये, बहुत मजा आएगा आपको करने में, कोशिश कीजिए। एकदम आराम से करेंगे, आराम से कीजिए, एक छोटी सी गलती आंसर गलत कर देगा। देखिए सी और डी में सिर्फ एक प्लस का ही अंतर है, सी और डी में बस एक प्लस का ही अंतर है, मतलब कि ध्यान से करना है, इनमें से कोई एक ही सही होगा, दोनों तो सही होगा नहीं, तो एकदम ध्यान से कीजिएगा कौन सही है कौन गलत। देखिए सिर्फ एक प्लस का ही अंतर है, ठीक है, और ऐसे ही ऊपर वाले में देखिए, यहाँ पे भी सिर्फ एक प्लस का ही अंतर है, नहीं यहाँ पे तो अंतर है, ज्यादा अंतर है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा।
लास्ट के 20 सेकेंड, वेरी गुड। पांच बच्चों के उत्तर में सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लास्ट का 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से करते हैं, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। देखिए पहले तो हम इसको सेम टू सेम उतार देंगे, ऐसे ही उतार देते हैं, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, हमने ऐसे ही उतार दिया। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। इस 3y² के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब इसमें प्लस से गुणा होगा, यहाँ पे मैंने बताया था माइनस में गुणा होता है, प्लस से तो क्या आता है, माइनस। तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो माइनस में प्लस से गुणा होगा तो -3y²। अब देखिए फिर माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा, माइनस जेड स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ पे प्लस का साइन। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब प्लस में प्लस से गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा, तो प्लस जेड स्क्वायर। अब फिर प्लस में गुना होगा माइनस से तो क्या आएगा, माइनस वाई। अब हमने पूरे ब्रैकेट को ओपन कर दिया, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कौन किससे कटेगा, तो यहां पे है माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पे आप अगर देखेंगे तो -3y² है और यहां पे -y² है। तो -y² मतलब यहां कुछ नहीं है तो वन है, तो -1 स्क्वायर y² और -3y² जुड़ जाएगा तो कितना बन जाएगा, -4y² बन जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 स्क्वायर y² -3y² जोड़ेंगे तो -4y² हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे -yz है जो कहीं पे नहीं है, तो -yz को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -z² है जो कहीं नहीं है, तो -z² भी लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस जेड जो है और ये प्लस जेड स्क्वायर जो है कट जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, -z² और प्लस जेड स्क्वायर घट जाएगा, कट जाएगा। तो ये -z² यहाँ पे हमने लिख दिया, -yz हमने यहाँ पे लिख दिया, क्लियर है सभी बच्चों को। अब लास्ट में बच गया क्या, -y, तो -y ये वाला हमने यहाँ लिख दिया। तो उत्तर आपका क्या हो गया, -4y² -yz -z² -y, ऑप्शन सी। किसी भी बच्चे को डाउट है, अगर नहीं समझ में आया तो आप एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, क्लियर है ना, ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, -4y² -yz -z² -y, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर का जो आज के क्लास का होमवर्क है वो लोकेशन आप लोगों को ग्रुप में भेज देंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिएगा।